आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा टॉपिक अपना है भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति। ओके ये डायरेक्शंस पता होना चाहिए आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ओके ये है भारत का मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र है। इस राजनीतिक मतलब इसमें सारे राज्यों के नाम हैं और जो पड़ोसी देश हैं उनके भी इसमें नाम है, मतलब जिनकी जो सीमाएं लगती हैं भारत के साथ। ठीक है, इसमें अपन भारत की अवस्थिति के बारे में देखेंगे और ये भी पूरा अपन मानचित्र से ही देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आप देखो मानचित्र से आकर अगर आप पढ़ते हैं तो आई थिंक एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, ओके। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ल्ड के मैप से, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इस भूमध्य रेखा के भारत कहाँ है, उत्तर में, यह पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तरी गोलार्ध में आता है और एशिया महाद्वीप में आता है। भारत किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है और एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश के या भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ये हम पहले पढ़ चुके। नेक्स्ट ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार, कि भारत का जो अक्षांशीय जो स्थिति है वो क्या है। तो अपन बात करते हैं पहले साउथ से या दक्षिण से बात करते हैं, तो 8 डिग्री 4 ये मिनट होती है, 8 डिग्री 4 से मतलब 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर अगर ऊपर जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मतलब 0 डिग्री से थोड़े से ही अपन ऊपर हैं, 0 डिग्री से 8 डिग्री में अपन आ जाते हैं। ठीक है, और अगर भारत की बात करें कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु, देखो ये तो भारत की मुख्य भूमिका है, इसे पूरी मुख्य भूमि है, लेकिन अगर दक्षिणतम बिंदु की अगर अपन बात करेंगे तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा भारत का, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है, निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, इसकी भी आपको बताऊंगा। तो पहले इसकी बात कर लेते अपन, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर में चल रहा है, तो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और उसके बाद जो पोजिशन है उसकी जो स्थिति है कन्याकुमारी। ठीक है, तो मुख्य भूमिका जो भाग है वो कन्याकुमारी, जिसको बोलते हैं कैप कमोरिन। क्या बोलते हैं, कैप कमोरिन, बच्चों इसको अंतरीप भी बोलते हैं, अंतरीप, क्या बोलते हैं, अंतरीप, कन्याकुमारी अंतरीप। अंतरीप क्या होता है, अंतरीप वो हिस्सा होता है भूभाग का, वो हिस्सा होता है जो नुकीला होता है और पानी में टच होता है। तो भारत का जो कन्याकुमारी वो कहाँ है, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में कन्याकुमारी का जो एक छोटा सा एक नुकीला सिरा है, एकदम से एकदम नुकीला सिरा है जो कि टच हो रहा, उसी को बोलते हैं अपन अंतरिम। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में, साउथ में, अफ्रीका महाद्वीप के साउथ में बात करेंगे तो उत्तम आशा अंतरिप है, कौन सा है, उत्तम आशा अंतरिप, कैप ऑफ गुड होप, क्या बोलते हैं, कैप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिप। उत्तम आशा अंतरिप से ही जो भारत की खोज करने के लिए कौन आया था, वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा पूरा अफ्रीका को चक्कर लगा के आया था। ठीक है, उत्तम आशा अंतरिप, तो ये थोड़ा देखेंगे विश्व में। उसके बाद बात करें कन्याकुमारी से लेकर उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 उत्तर में जम्मू कश्मीर, जो पहले जम्मू कश्मीर पूरा राज्य था, अभी क्या हो गया, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू और कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है और 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गया था, है ना, एकदम से। तो लद्दाख, लद्दाख पे एक जगह है इंदिरा कोल, कौन सी जगह, इंदिरा कोल। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का उत्तरी अक्षांश का जो 37 डिग्री 6 है वो बिंदु है। इंदिरा कोल कहाँ है, लद्दाख में, इंदिरा कोल कहाँ है, लद्दाख में। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, अंतरिप का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। हाँ, और इन चीज़ों को, इनको अपन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में लिखेंगे। एक चीज़ हो, अभी आप जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल आप उसको ध्यान से देखिए, लिखना नहीं है आपको, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, देखो अगर आप एक साथ दो काम करेंगे तो क्वालिटी नहीं आएगी, क्वांटिटी भले आ जाए, आप भले ही दो काम कर लें लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं आएगी, आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। इसलिए जितना वीडियो चल रहा है उसको ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपके पास रहेगा, जब चाहे आप लिख सकते हैं, जब चाहे आप उसको फिर से देख सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल इसको देखिए। इसके बाद बात करते हैं अपन
उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है, ठीक है, तो यह है 3214 किलोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए, 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण किलोमीटर की जो इसकी लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, ठीक है। और अगर विस्तार की बात करें, अक्षांश विस्तार, तो 37 डिग्री 6 में से 8 डिग्री 4 अगर अपन माइनस करते हैं तो इसमें आता है 29 डिग्री 2, कितना था 29 डिग्री 2, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम, ये हो गया उत्तर से, पूर्व से पश्चिम में बात करें, देखो पूर्व में कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे एक जगह है की बीथू, और पश्चिम में कौन सी जगह, गांधीनगर गुजरात, ठीक है, गुजरात, गुजरात में एक जगह है गोहरमाता, गोरमाता। तो पूर्वी देशांतर में आपको पता है कि भारत पूर्वी देशांतर में, विश्व के मैप में हमने पढ़ा, तो 0 डिग्री के बाद हम चलते गए, तो भारत का जब गुजरात वाला जो पोर्शन आया, तो गुजरात से हमने देखा कि गुजरात का जो एक जगह है गोर माता, वहां पे 68 डिग्री 7 है, कितना है 68 डिग्री 7, ठीक है, 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25, ठीक है, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो ये जो विस्तार है इसका भी अगर अपन माइनस करेंगे, 97 से 68 माइनस करेंगे तो आएगा 29 डिग्री 2, कितना आएगा 29 डिग्री 18, ओके 29 डिग्री 18। और तो अब देख रहे हैं कि लगभग सेम सा है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार सेम सा है, लेकिन अभी आप इसकी जो लंबाई है पूर्व से जो पश्चिम की जो लंबाई है वो आप देखेंगे तो ये कम होगी किसकी अपेक्षा, उत्तर से दक्षिण, देख लीजिए 2933 है, दिख रहा है 2933 और इधर कितना 3214, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, अभी आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ, ऐसा इसलिए होता है ये ब्लू देखिए, विस्तार कितना है, बात करें उत्तर से दक्षिण तो विस्तार कितना है आप बताएंगे, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और अगर दक्षिण पूर्व से पश्चिम कितना है, 2933, ठीक है, जबकि ये किलोमीटर में चेंज है, जबकि जो विस्तार है अक्षांश और देशांतर वो लगभग कितना रहा है, एक तो आ रहा है 29 डिग्री 2 और एक आ रहा है 29 डिग्री 18, लगभग सेम सा ही है, लेकिन फिर भी इतना अंतर क्यों, इसका मतलब ये होता है, देखो बच्चों मैं आपको इधर बताता हूँ, ये है 0 डिग्री अक्षांश और ये है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। अब जो ग्लोब होता है वो इस प्रकार होता है, ग्लोब, ठीक है, ग्लोब जो होता है ऐसे गोल होता है, अक्षांश जो रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं होती हैं, है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, मैं कोशिश करता हूँ फिर से बनाने की, इसको राउंड से प्ले आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर अगर अपन अब चर्चा करेंगे इसकी तो इसमें लेते हैं लाइन, ठीक है, ओके, देखिए ठीक है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, और ये हो गई 0 डिग्री देशांतर। अब जो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसे होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ होती हैं, ठीक है, ये होती हैं, तो इनमें जो दूरी होती है अक्षांश रेखाओं में समान होती है, कितनी होती है, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है,
लेकिन जो देशांतरी रेखाएं होती हैं, कौन सी देशांतरी रेखाएं होती हैं, ये थोड़ा सा घूमी भी होती हैं, ये इस प्रकार चलती हैं, ठीक है, इस प्रकार आती है ना। तो इनकी जो दूरी होती है वो ध्रुवों की तरफ की होती है कम होती है, और भूमध्य रेखा की तरफ क्या होती है, ज्यादा होती है, इस प्रकार। तो आप इसमें देख रहे हैं जो ग्लोब की जो स्थिति है ये, तो देशांतर जो रेखा है ना ये कितनी होती है, एक तरफ जैसे 0 डिग्री से इधर अपन चलते हैं तो इधर होती हैं ये 180, और इधर भी 0 से 180। लेकिन अगर राउंड को अगर ऐसे गोल कर देंगे, ग्लोब तो गोल होता है, तो 180 वाली जो क्या दो बार काउंट हो रही है तो उसको एक काउंट करेंगे और 0 को काउंट कर लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 360। तो देशांतरी रेखाओं की संख्या कितनी होती है जी, 360 होती है, कितनी होती है, 360, ठीक है, 360। अगर बात करें अक्षांश रेखाओं की तो 0 डिग्री से ऊपर कितनी होती हैं, 90, और 0 डिग्री से नीचे दक्षिण तरफ कितनी होती हैं, 90। लेकिन अब ग्लोब ये तो मिल नहीं रही आपस में, ये तो ऐसे ऐसे रहेंगे गोल गोल, है ना, ऐसे रहेंगी, ऊपर रहेंगे तो मिल नहीं रही है, तो 90 ऊपर है, 90 नीचे है, 90 90 कितना होता है, 180, ठीक है, 180 में 0 डिग्री जो है वो ऐड करेंगे कितना, 181। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है जी, 181 होती है, और देशांतर की रेखा कितनी होती है, 360 होती है। क्लियर है, फिर से बता रहा हूँ, देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो 360 होती है, अक्षांश की 181 होती है, और दो अक्षांश के बीच की दूरी फिक्स होती है 111 किलोमीटर, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कोई फिक्स नहीं होती, क्योंकि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो अक्षांशों की तरफ जब जाती हैं तो सिकुड़ जाती हैं, या उनकी दूरी क्या होती है, कम होती चली जाती है, ठीक है, ज्यादा तो कम होती चली जाएगी। इसीलिए भारत का जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार और पूर्व से पश्चिम का विस्तार तो सेम है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो लगभग, अपन बात करें 29 से ऊपर तो अपन 30 डिग्री अगर मान के चल रहे समान है, लेकिन इनके किलोमीटर में फर्क है। तो ये फर्क क्यों है, क्योंकि बता सकते हैं ना, यस, कि देशांतरी रेखाएं जो होती हैं वो ध्रुवों की तरफ क्या होती हैं, उनकी जो जगह होती है वो आपस में कम होती चली जाती है, ठीक है, इसी कारण यही है, तो देशांतर रेखाओं के कारण। और अक्षांशीय जो रेखाएं होती हैं, अक्षांशीय रेखाओं से क्या प्रभाव पड़ता है, देशांतर रेखाओं से तो पता चलता है समय का पता चलता है, ऐसे अक्षांश जो रेखाएं होती हैं उनसे क्या पता चलता है, अक्षांश रेखाओं से ये पता चलता है कि केरल में सोचो दिन और रात, तो जो यहाँ की जो अवधि है वो लगभग समान सी रहती है, और जम्मू कश्मीर में बात करें, लद्दाख में बात करें, तो यहाँ की दिन अवधि जो होती है वो समान नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस पाया जाता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो अक्षांश रेखाओं के कारण ये सब होता है। ये सब हम टॉपिक लेंगे विश्व के भूगोल में, तो थोड़ी सी ज़्यादा विस्तार से चर्चा कर लेंगे, अभी इसको यहीं पर बंद करते हैं और अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ तक समझ में आ गया, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब आपके सामने एक रेड कलर का एक आउटलाइन लगी है भारत के मानचित्र को, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, कौन सा क्या है, कौन सी आकृति है, चतुर्भुज, और इसके कोण क्या समान है क्या, नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, विषमकोणीय या चतुष्कोणीय आकार हो गया, लेकिन कौन सा है, विषमकोण। तो भारत का जो आकार है वो क्या है, चतुष्कोणीय भारत का आकार। अब बात करते हैं अपन कर्क रेखा की, ये कौन सी रेखा है, ब्लैक कलर जो अभी आया है कर्क रेखा, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, कर्क रेखा से क्वेश्चन पक्का आता है। तो कर्क रेखा के ऊपर हम बात करेंगे, तो कर्क रेखा में देखिए, कर्क रेखा का नाम अगर बोलेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो कर्क रेखा है, और 23.30 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या होती है, अभी विश्व में पढ़ा था हमने मकर रेखा, ठीक है, और 0 डिग्री क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, गुड। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ कहाँ से गुजरती है, इनको एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, गुजरात, अगर आप बात करें अपन पूर्व से, अगर पूर्व से बात करें तो क्या हो जाएगा, गुजरात। दूसरा क्या हो जाएगा, राजस्थान, थोड़ा सा गुजरती है नीचे से।
छत्तीसगढ़, पांचवा क्या हो जाएगा झारखंड, छठवा क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सातवां क्या हो जाएगा त्रिपुरा, और आठवां क्या हो जाएगा मिजोरम। तो आठ राज्यों से कितने राज्यों से गुजरती है, आठ राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से, आठ राज्यों से, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो आप ट्रिक भले याद कर लो लेकिन आपको नाम याद होना चाहिए, अगर आप नाम भूल जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा माइंड में सेट करो एकदम बीचों बीच में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, है ना, थोड़ा सेट करो, गुजरात आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार थोड़ा सा माइंड में सेट करो, आप एक जो मैप है इंडिया का ये अपने माइंड में सेट कर लो कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में कौन से हैं, पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से राज्य हैं, तो आपको क्या कि थोड़ा सा ये जो भूगोल पढ़ने में आसान हो जाएगी। और उसके बाद सारे टॉपिक देखो, पहला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, अगर पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया ना तो सारे टॉपिक समझ में आएंगे, क्योंकि बार बार यही जिक्र। और पहला टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो दैट मीन्स फिर डिफिकल्टीज आएंगे, आपके लिए कठिनाई हो सकती है थोड़ी सी। तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से देखिए, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं वादा करता हूँ आप बिल्कुल आप कभी भूलेंगे नहीं इस चैप्टर को। ओके, तो आगे चलते हैं। अभी जो ब्लू कलर का है उसमें क्या है, ये अपन एक बार बात करें कर्क रेखा के बारे में, थोड़ी सी मैं बताता हूँ आपको। कर्क रेखा के बारे में एक विशेष तथ्य यह है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत को दो भागों में बांटती है। पहला भाग क्या हो जाएगा उत्तरी भारत, दूसरा दक्षिणी भारत। और दक्षिणी भारत को अपन क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं, प्रायद्वीप होता क्या है, द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, थोड़ा सा बताता हूं। द्वीप मतलब वो होता है एक ऐसा भूभाग, या उसको आइलैंड बोलते हैं अपन इंग्लिश में, एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो चारों तरफ से, उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, छोटा होता है। और उसी का अगर बड़ा भूभाग हो गया तो वो क्या हो गया, महाद्वीप। महा मतलब क्या होता है, बड़ा, और द्वीप आइलैंड, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्टिनेंट। इस प्रकार जो महाद्वीप है वो विश्व में कितने हैं, सात। कितने हैं, सात महाद्वीप हैं। और हम कौन से महाद्वीप में आते हैं, एशिया में आते हैं, ये हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप वो हिस्सा होता है या ऐसा भूभाग जिसके तीन ओर क्या हो, पानी हो। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है, अरब सागर, देख लीजिए आप अरब सागर। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, इनकी वजह से तीन ओर क्या लगता है, भारत को पानी लगता है। और ऐसा भूभाग जिसको तीन ओर से पानी टच करता हो या तीन तरफ पानी हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रायद्वीप। इसीलिए भारत को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। दक्षिण भारत को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत। समझ में आ गया, वेरी गुड। इसके बाद चर्चा करते हैं अपन, ये ब्लू लाइन आपके सामने आई है, इसको आप देखेंगे, ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं डेस वाली, ओके, क्या है ये, कहां से गुजर रही है, भारतीय मानक समय रेखा। अब भारतीय मानक समय रेखा मतलब मानी गई है, मानक मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है, तो मानी गई है ये रेखा। लेकिन ये रेखा कितने देशांतर पे मानी गई है, तो कितने देशांतर बोलेंगे, 82.5 डिग्री। अब ये रेखा 82.5 डिग्री देशांतर पर ही क्यों मानी जाती है, ये रेखा 82.5 डिग्री देशांतर पर ही क्यों मानी जाती है, क्योंकि ये 82.5 डिग्री इसलिए मानी गई है, हम कह सकते हैं जो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो 7.5 डिग्री 30 मिनट के गुणांक पर चुनी जाती हैं, ठीक है। अगर इसका गुणांक अपन करते हैं तो लगभग 12 के गुणांक पे आते हैं, ठीक है। 7.5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 82.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत कौन से देशांतर में, पूर्व में, तो पूर्व, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये रेखा इसलिए मानी गई है कि ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ऐसी लाइन देखनी होती है कि जो बीचों बीच से गुजरे किसी स्थान के और 7.5 डिग्री के गुणांक पर चुनी जाए, ये इसकी विशेषता होती है, इसीलिए 82.5 माना गया, ठीक है। तो
ये जो रेखा है मानक समय रेखा, ये क्या निर्धारित करती है? समय को निर्धारित करती है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों में एक ही समय रहता है, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश की घड़ी देख लें चाहे गुजरात की घड़ी देख लें, समय सेम मिलेगा। क्यों? इसी रेखा की वजह से। अगर ये रेखा नहीं मानते तो समय चेंज होता। इस प्रकार लंदन से हम कितना आ गए हैं, ग्रीनविच जो है उससे कितना आ गए हैं, 5:30, कितना आ गए, 5:30, 5 डिग्री 30 मिनट अपन आ गए, मतलब 5 घंटे 30 मिनट अपन क्या है, आ गए। ठीक है, अपना प्लस होता है, क्योंकि जीरो डिग्री देशांतर से जब पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे तो टाइम बढ़ता चला जाएगा, और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम घटता चला जाएगा। ठीक है, ज़्यादा विस्तार में मत जाइए वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। इसको यहीं पे छोड़ते हैं, आपको समझ में आना चाहिए बस कि 82.5 डिग्री है। क्यों माना गया? क्योंकि 7.5 डिग्री की गुणांक होता है, और इसको कटिबंध बोलते हैं। जैसे यूएसए में 6 कटिबंध हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक से ज़्यादा भी मानक समय रेखा मानी जा सकती हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय 4 बजे होता है तो गुजरात में सूर्योदय कितनी बजे होगा? इसका कारण बता सकते हैं कि कितने बजे होगा? ओके, देखिए आपको पता है भारत का जो विस्तार वो लगभग कितना है, 30 डिग्री मान लेते हैं अपन। 30 डिग्री है देशांतरी विस्तार, देखा था हमने 29.18 है ना, तो 30 डिग्री मान लेते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पश्चिम से पूर्व पृथ्वी का घूर्णन होता है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व जब घूमती है तो कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स, 24 घंटे, तो कितना घूम जाएगी? 360 डिग्री घूम जाएगी। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी लेती है 4 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का लेती है? 4 मिनट का। जब 24 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, सो डिवाइड करेंगे 360 से, तो क्या आ जाएगा? 4 मिनट। तो 30 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा भाई? 30 मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगा? 120 मिनट। और 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं जी? 2 घंटे होते हैं, पता है? ठीक है, तो 2 घंटे होते हैं। तो अभी मैं अपने क्या पूछा कि अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है सूर्योदय किधर होता है? सूर्योदय किधर होता है? पूर्व की तरफ होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा? 6 बजे होगा, क्योंकि 2 घंटा पीछे है। मैंने क्या बताया था, पूर्वी देशांतर मतलब 0 डिग्री से अगर आगे जाएंगे तो समय क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वापस आने क्या होता है? ठीक है, तो सूर्योदय कितने बजे होगा? 6 बजे होगा।